सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसलों की समीक्षा करेगा। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय टीम करेगी समीक्षा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के सभी अनुमंडल अस्पतालों में आरोग्य मित्रों की होगी बहाली। राज्य सरकार ने जमीन मकान की रजिस्ट्री की नकल देखने के लिए ₹500 की शुल्क निर्धारित की है। दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में अंतर महाविद्यालय योग प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय डाक सप्ताह के अंतर्गत नालंदा के प्रधान डाकघर में अंत्योदय दिवस मनाया गया। नवादा जवाहर नवोदय विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत युवा महोत्सव का किया गया आयोजन। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत बक्सर में गंगा तट पर बने पक्के घाट अब आम जन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। मुंगेर में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पटना के कुम्हरार स्थित अंतरज्योति आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा निर्मित उत्पादों को भेजा जाएगा विदेश। पश्चिम चंपारण के योगपट्टी थाना क्षेत्र में एक अपराधी की गोलीबारी में 4 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।